कब से नहीं ले पा रही थी मोना जी, मैं काफी टाइम से सोच रही थी मैंने। शला जी, आपको आज रेडिक्स ब्यूटी की तरफ से एक गिफ्ट मिला है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको क्यों मिला ये गिफ्ट? अचीवमेंट करने पर। ओके, क्या अचीवमेंट किया आपने? बहुत सारे मेंबर दिए रेडिक्स कंपनी को। आपको रेडिक्स ब्यूटी में जुड़ के आपको कैसा लग रहा है? आपने रेडिक्स ब्यूटी क्यों ज्वाइन किया था? क्योंकि इसमें सच्चाई है और कंपनियों में मुझे सच्चाई नजर नहीं है। और आप कुछ कहना चाहेंगे रेडिक्स ब्यूटी के बारे में? यही कहना चाहती हूँ कि ये कंपनी आगे बहुत ग्रोथ करे और आगे अच्छा से अच्छा अचीवमेंट करे, निभते रहे। आगे मेरा हाथ टीवी का है जो जरूरी, और मैंने इसमें एक बहुत अच्छी एजुकेटर दी अंबिका जी। इधर आइए, आओ अंबिका जी, आओ। सबसे पहले यही जुड़ी थी मेरे साथ। और एक ये है तुषार, आओ। विकास जी हैं, आइए। आमिर, आप भी आओ। इन लोगों को मैंने इस कंपनी के बारे में बताया, इन्हें अच्छा लगा, ये लोग भी मेरे साथ इसमें जुड़े थे। आगे करेंगे हम लोग। ये विकास जी हैं, इन्होंने भी मेरे साथ बहुत मेहनत की है। विकास जी, आपने रेडिक्स ब्यूटी ज्वाइन किया है, आपको कैसा लग रहा है? क्या लगता है आपको रेडिक्स ब्यूटी क्यों ज्वाइन किया आपने? चीज अच्छी है, कंपनी बढ़िया है, कुछ लगा तो इसकी ओके, थैंक यू। ये है हमारे शैला जी की टीम पूरा यहाँ से बुलंदशहर से। टीम तो बहुत बड़ी है, सारे बैठे हुए, यहाँ जगह भी कम पड़ जाएगी। और हमारे शैला जी की बहुत बड़ी टीम है, मैं आपको आप लेके चल रहा हूँ सबके साथ। कार्ड को आगे ये है हमारे पूरे शैला जी के बुलंदशहर की टीम जिससे हमने आपको वाकिफ करवाया है। और आज हमारा वर्कशॉप है यहाँ बुलंदशहर में, जिसको मोनिका बजाज इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो है वो यहाँ वर्कशॉप देने आई है। मोनिका जी, आपको बुलंदशहर में आपका स्वागत है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ बुलंदशहर में? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ऑल्दो मेरे बड़ी फर्स्ट सिटी है, बट इतने सब वार्म वेलकमिंग, सब लोगों को मिलकर नए नए चेहरों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंथुसियास्टिक हूं मैं। ओके, थैंक यू मोनिका जी। और मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट मिस्टर पंकज। हेलो, आप बहुत अच्छा लगा मेरे को बुलंदशहर में आके, और अभी तो सिर्फ नाम भी नहीं पता, अभी तो मिला ही हूँ। अब देखेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद बुलेंगे मिलेंगे कि कैसा है। और बुलंदशहर में फर्स्ट टाइम है मेरा, वो भी सर के साथ आया है, विक्की सर से। बस थैंक यू पंकज जी। हमारे स्टूडेंट्स को क्या सिखाने वाले हैं 3 दिन में? सर, इसमें क्या होगा, जो कमर्शियल इंटरनेशनल जो टेक्निक होती है वो हाई लेवल की होती हैं, बट उसमें क्या है, हम उसको कमर्शियल में यूज करके सिखाएंगे कि इंटरनेशनल टेक्निक कमर्शियल में कैसे यूज होती हैं। हम क्या करते हैं, जो फोटोज हमारी होती है जो प्रोफाइल में होते हैं वो ऑल ओवर एडवांस होता है इस टाइम, बट क्या है, उसी एडवांस को हमें ना कमर्शियल में करके हमें सोसाइटी लुक में देना होता है, तो हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। हम पूरा इंटरनेशनली करेंगे, उनमें से टेक्निक्स यूज करके हम सिर्फ क्या है, जो सैलूनों में वर्क होता है ना वो यूज करेंगे। आपने जनरली किसी भी सैलून में कोई भी देखा होगा, कोई इंटरनेशनल स्टाइल नहीं करते, ओनली क्या है, वो टेक्निक्स यूज करते हैं। इंटरनेशनल टेक्निक्स होती है ना, जब फ्रंट की वेव्स हो गई, वो चीज हमें कमर्शियल में मैच करके बनानी है, जो सोसाइटी लुक दे और हमारा वर्क न्यू, हमारे को न्यू टेक्निक भी सीखने को मिलेगी, और जैसे ही नया वर्क देंगे तो हमारा काम भी अच्छा होगा। थैंक यू पंकज जी।